तो रांची में ये जो सामने आप पंडाल देख रहे हैं, इस बार का सबसे भव्य पंडाल है। ये सिर्फ रांची का ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड का सबसे भव्य पंडाल होगा। इसको बनने में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। ये अब तक का पूरे झारखंड का सबसे महंगा पंडाल होगा। किसी भी कीमत पर कोई माई का लाल इस पूजा को रोके। तो अभी हम आए हुए हैं रांची के धुरवा में, जहां इसी वर्ष गठित श्री राम लला पूजा समिति के सौजन्य से पुराना धुरवा मैदान में अयोध्या के नव निर्मित श्री राम मंदिर का प्ररूप बनाया जा रहा है। काफी भव्य प्ररूप बनाया जा रहा है। एड्रेस यानी यहां आने का पता आप जान लीजिए। जैसे ही आप HSC एंटर करेंगे, उसी के बाएं साइड जो मैदान है वहीं पे आपको दिख जाएगा भव्य पूजा पंडाल। यहाँ काफी स्पेसियस है। रांची में अगर आप पंडालों की बात करें तो बकरी बाजार में मेले का आयोजन होता था, काफी बड़ा जगह था। अगर उसकी तुलना में देखा जाए तो ये भी स्पेस यहाँ भी काफी बड़ा है और ये पंडाल काफी खूबसूरत बन रहा है। 200 से ज्यादा कारीगर निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। मंदिर में गुंबद, पिलर आदि का निर्माण कार्य अभी बंगाल में हुआ था, ये अब रांची लाए जा रहे हैं। इस पंडाल को हुबहू अयोध्या के श्री राम मंदिर जैसा बनाया जा रहा है। और आप इसकी लागत जान के हैरान हो जाएंगे कि इसको बनाने में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। अगर अभी तक देखा जाए तो पूरे झारखंड में इससे महंगा पंडाल अभी तक नहीं बना है। यानी किसी भी पंडाल को बनने में 1 करोड़ रुपए नहीं खर्च किए गए। सबसे महंगा पंडाल जो पूरे झारखंड का बनाया जाता था वो रांची के बकरी बाजार में बनाया जाता था और इस वर्ष आपको धुरवा मैदान में देखने को मिलेगा। पंडाल का निर्माण चल रहा है, पर आपको एक चीज बता दें कि कल किसी वजह से यहाँ की जो प्रशासन है उसके द्वारा इसका कार्य को रुकवा दिया गया था, जिसके कारण कुछ नेतागण यहाँ पहुंचे हुए हैं और अभी फिलहाल काम स्टार्ट हो जाएंगे और इसे पूर्ण कर लिया जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि लगभग आप बोलिएगा तो 50% के लगभग काम हो चुके हैं, अब फिनिशिंग बाकी है। पंडाल के साथ साथ माँ की प्रतिमा का भी निर्माण किया जा रहा है। मैदान में आपको 26 फीट ऊंचे बजरंग बली की विशाल मूर्ति 4D में दिखाई जाएगी और इस बार इस पंडाल में माँ दुर्गा के साथ साथ आप श्री राम भगवान के भी दर्शन कर सकेंगे। और इसके लिए एक अच्छी बात है कि इस पंडाल को इस बार नवरात्रि के पहले ही दिन खोल दिया जा रहा है। यानी पंडाल 2 अक्टूबर को आम नागरिकों के लिए खोल दिया जाएगा। पूरे 10 दिन इस पंडाल का दर्शन आप कर सकेंगे। यह पंडाल 170 फीट लंबा, 120 फीट चौड़ा और 100 फीट ऊंचा है। भव्य मां का दरबार भी यहां बनाया जा रहा है, जिसमें बंगाल के लाइटिंग भी मंगवाई जा रही है। पुराना विधानसभा मैदान लाइटिंग से जगमगा जाएगा। मूर्ति भी काफी मां की विशाल है और ये जो मैदान आप देख रहे हैं इस पे मेला लगाया जाएगा, खाने पीने के स्टॉल रहेंगे। मतलब जितनी भी भीड़ है जो पहले रांची शहर के अंदर रहती थी, अब धुरवा भी आएगी और धुरवा में आपको भव्य पंडाल दिखेगा। पंडाल का कार्य प्रशासन द्वारा जो रुकवाया गया था, इसके लिए माननीय सांसद सह राज्य रक्षा मंत्री श्री संजय सेठ जी और रांची के विधायक CP सिंह जी यहां आए हुए हैं। माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। दुर्गा मैया की जय। दुर्गा मैया की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। आज करम डाल की पूजा कर्मा धूमधाम से और झारखंड में पूरे हिंदुस्तान में आज कर्मा पूजा मनाया जा रहा है। दिल्ली में भी हमने कर्मा पूजा का आयोजन का कार्यक्रम रखा है, किंतु कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झारखंड आ रहे हैं, कल रांची आगमन है, उसके बाद जमशेदपुर जाएंगे। यहाँ से लगभग 22,000 करोड़ रुपए का तोहफा झारखंड को देंगे। इस सिलसिले में हमको यहाँ आना पड़ा और कल देर रात ऑस्ट्रेलिया से हम लौटे।
ऑस्ट्रेलिया में थे तो वहाँ टाइम का जरा प्रॉब्लम रहता है, और वहाँ 3 दिन के अंदर ही पूरा 3 बड़े सिटीज में कार्यक्रम था, तो सूचना व्हाट्सएप पे तो मिल रहा था और गुस्सा भी चढ़ता था कि इनको राम मंदिर से इतना दर्द क्यों है, राम मंदिर से इनको गुस्सा क्यों आता है। स्पष्ट है कि इन्होंने राम को ही काल्पनिक बता दिया था, बोले राम नाम की तो कोई चीज ही नहीं, राम तो काल्पनिक है। और जो लोग सनातनी धर्म को तरह तरह की गालियां देते हैं, क्या हम सब तिलक इसलिए लगाते हैं कि लोग गालियां दें हमको? हम तो दुर्गा पूजा के अवसर पर प्रभु श्री राम के मंदिर का यहां प्रारूप बना रहे हैं, और मेरी उम्र तो 65 साल हो गई, और लगभग आप समझो 8-9 वर्षों के बाद तो आदमी दुर्गा पूजा में घूमने जाता है, तो 55 वर्ष मान लो 55 वर्ष से हम दुर्गा पूजा समझो घूमने जा रहे हैं। आज तक कभी भी यह किसी दुर्गा पूजा को मनाने के लिए कहीं परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं, रामनवमी में 18 के लिए परमिशन मिलता है, और जब भसान में जाते हैं तो उसकी सूचना दे देते हैं थानों को हम इतने भसान में जाएंगे। और पिछले 2 महीने से लगातार अखबारों में, पत्र पत्रिका, सोशल मीडिया में चल रहा है प्रभु श्री राम के मंदिर का प्रारूप बनना है, किसी से अनभिज्ञता नहीं थी, कितना दर्द को था कि पहले हलफ मैदान हुआ, बकायदा परमिशन हुआ, पैसा जमा हुआ, और यही राम के विरोधी इन्होंने बलपूर्वक जोर से वहां पे उस हनुमान मैदान को कैंसिल करा दिया। तब लोगों का आग्रह, धुरवा के लोगों का आग्रह हुआ कि नहीं, इस मैदान नहीं किया जाए, यहां कर लिया, यहां परमिशन हो गया, मां दुर्गा स्थापित हो गई, अभी प्राण प्रतिष्ठा या पूजन नहीं हुआ लेकिन मां स्थापित हो गई है, अब वो दुर्गा मंदिर हो गया, अब ये पंडाल नहीं रहा, मां की प्रतिमा बन गई, मतलब मां स्थापित हो गई। तो इस पे अगर कोई राजनीति करे, किसी को वोट का डर हो जाए, हम तो पूजा कर रहे हैं, वोट की राजनीति थोड़ी कर रहे हैं, जिनको वोट की राजनीति करनी है, जिनको तुष्टिकरण करना वो करो, ना हमको तुष्टिकरण करना है, ना हमको वोट की राजनीति करनी है, हमको तो मां की आराधना करनी है, और मां की आराधना में हम सब पूजन करते हैं, और पूजन में लाखों लोग, इनको तो खुश होना चाहिए कि एक बड़ी पूजा इस इलाके में हो गई तो लोड वहां से कम होगा, और जो लोग पूजा पंडालों को नहीं जा सकते हैं उनको आराम होगा, ग्रामीण इलाकों से रिंग रोड से आके जहां दर्शन किए चले गए, कोई पार्किंग का प्रॉब्लम नहीं, कोई जाम का प्रॉब्लम नहीं, एक नई जगह पूरी तरह स्कैटर्ड हो जाएगा, एक ही जगह सीमित हो जाए तो हर जगह चौक हो जाता है, इनको तो खुश होना चाहिए, बधाई देना चाहिए प्रशासन और सरकार को कि भाई बढ़िया काम किया, लेकिन इनको कहीं ना कहीं भय सता रहा है, इनको भय से हमको चिंता नहीं, क्योंकि यह रांची राम की नगरी है, रांची का बच्चा बच्चा राममय है, और मैं स्पष्ट बता दूं किसी भी कीमत पर कोई माई का लाल इस पूजा को रोक नहीं सकता। और जरूरत पड़ी तो बहुत सारे हमारे पास लोकतांत्रिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, और मैं तो स्थानीय प्रशासन से और सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि इस पछड़े मत फंसो,
तुमको याद है आज से 30 साल पहले, 30 नहीं 35 साल पहले यहाँ राधा सिंह कमिश्नर थी, जो पुराने लोग हमको याद है, उन्होंने रामनवमी पूजा के भी ऐसे ही किया था और रामनवमी पूजा रामनवमी जुलूस नहीं निकला था, पूरे झारखंड के अंदर रामनवमी मनी नहीं, पूरा पूरा झारखंड, पूरा बिहार, मतलब यहाँ था पूरा बिहार आंदोलित हो गया था। फिर साधु महात्माओं ने बाद में तय किया, जब सरकार झुकी, प्रशासन झुका, माफी मांगी, तब जाकर साधु महात्माओं ने डेट निकाली, तो उसके 10 दिन बाद रामनवमी। तो हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ मत करो, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ मत करो, हम पर हमारी आस्था पर प्रहार मत करो। और किसी निजी पूजा नहीं है ये, पूजा सार्वजनिक है। अरे कौन नहीं जाता प्रभु श्री राम के मंदिर का दर्शन करने, मां का पंडाल है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री को आग्रह करता हूं, वो भी आए दर्शन, सरपत्नी आए दर्शन करें, यहां पे अच्छी बात है। आप भी उद्घाटन करते हैं, मैं मुख्यमंत्री जी को आवेदन आग्रह करना चाहता हूं कि आप भी उद्घाटन करें, क्या है ये मां का मंदिर है। तो मां से आशीर्वाद मांगे, तो मां तो बैठ गई, मां से आशीर्वाद दे मांग रहे कि इन सबको सुबुद्धि दे कि हमारे आस्था से खिलवाड़ नहीं करें। अब तो 75% तो काम हो गया, अब तो फिनिशिंग बाकी है, क्यों 1 तारीख खुल जाना है ना, 2 तारीख जिस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती, पहला नवरात्र, उसी दिन से यह माँ के मंदिर का पट खुल जाएगा और दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे नवरात्र में। तो मैं आयोजक मंडली से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप किसी भी तरह के कोई विवाद में ना फंसे, कोई भय नहीं हो कि मैं अब आ गया हूं, आपको कुछ नहीं करना है। और मैं प्रशासन में से बात कहता हूं कि आपको बात करनी तो मुझसे बात, तीन लोग से मत बात की।